हो जाएगा वो का करने का कुछ पाए दबाते रहे फोन के दबाते रहे समाते रहे हाँ समाते रहे हम लोग बॉर्डर मा मंदिर तरफ पहुंचने वाले हैं और ये संबलपुर से पहले ही पड़ता है, तो जो भी गाड़ी पलारा के उंजर साइड से आता है उसको ये जंगल होके जाना पड़ेगा। सिंगल रोड है और रोड का हालत कुछ इस तरीके से, और सामने हमारा दूसरा गाड़ी जा रहा है 5601। अभी कुछ देर में हम लोग पहुँचेंगे बॉर्डर मा मंदिर के आसपास में, वहाँ पहुँच के रुकेंगे। फिलहाल तो जंगल का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। रोड बनानी है, लेकिन जब परमिशन मिल जाएगा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तो ये भी रोड 4 लेन बन जाएगा। तो अभी इसको टाइम है, जैसे ये पुराना ब्रिज वगैरह है सब बहुत ही पुराना है, तो इस सब का रिपेयरिंग मरम्मत का भी ज़रूरत है, क्योंकि कब ये हो जाएगा ना 10-15 साल इस सबको। हाँ, ये सब इतना पुराना है, सबको रिपेयरिंग का ज़रूरत है, पता नहीं कौन सा मोमेंट में गिर जाए सब। तो इतना यहाँ धूल मिट्टी उड़ता है, देखिए पेड़ पत्ता सब में भी पूरा धूल जमा हुआ है। और घाट कितना बचा है, हाँ घाट कितना बचा है, और 15 किलोमीटर, तो लगभग और 15 किलोमीटर पहुंचा है। जैसे ही घाट ख़त्म होता है मंदिर पड़ता है, और वहीं पे हम लोग नेक्स्ट स्टॉपेज है हम लोग का, तो सफ़र कंटिन्यू करते हैं। और उम्मीद है रात तक, रात रात में रायपुर पार करेंगे ना, रात रात में रायपुर पार करने का पूरा उम्मीद है। तो ब्लॉग में बने रहिए, और आज पूरा सफ़र जो है हमारा उसका एंजॉय करिए आप लोग। ये सामने जा रहा है हमारा अशोक लीलैंड का BS4 है, और ये 2017 मॉडल है, और ये जो गाड़ी में मैं बैठा हूँ ये 2022 मॉडल है, और BS6 गाड़ी है। तो हमारा दूसरा चैनल पे हम पूरा डिटेल्स इसका रिव्यू करेंगे दोनों गाड़ियों का, इंजन स्पेसिफिकेशन जो भी है, पावर वगैरह क्या है। क्योंकि अभी देखिए ये जो चढ़ रहा है गाड़ी, ये हो सकता है 2 नंबर में चढ़ रहा हो कि 3 नंबर में चढ़ रहा हो, लेकिन यही सेम गाड़ी BS6S का इंजन का पावर बढ़ा हुआ है, तो ये 4 नंबर में देखिए चल रहा है। तो बहुत डिफरेंस आ गया है गाड़ी का, इंजन में बहुत बदलाव किया गया है। तो एक डिटेल्स हम लोग पूरा वीडियो बनाएंगे अपना दूसरे चैनल पर, और फिलहाल अभी हम लोग, हाँ अभी हम लोग घाट ढूल रहे हैं, तो थोड़ा देर के बाद ही मंदिर आ जाएगा शायद, तो 1.5-2 किलोमीटर में। और ये सारा महाराष्ट्र का गाड़ी, महाराष्ट्र से प्याज वगैरह कुछ भी लेके आता है लोग, ठीक है। रास्ता देखिए कितना नैरो रोड है, पूरा नीचे तरफ देखिए पूरा खाई दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे रोड कितना पतला है, तो कृपया करके यहाँ स्टंटबाजी ना करें, अगर गाड़ी चलाने आता हो सही सलामत तभी लेके आए, वरना ना लेके आए, क्योंकि इस तरफ भी जगह नहीं है, डाली वगैरह है और कंटेनर है, देख सकते हैं हाइट गाड़ी है पूरा, और नीचे इस तरफ कुछ नहीं है, मतलब दिख नहीं रहा है नीचे, ठीक है।
पहुंच गए हैं बोटरमा मंदिर, ठीक है। और यहाँ देखिए गाड़ी वगैरह खड़ा है बहुत सारा, हम भी रुकेंगे साइड में। लेकिन दोस्तों फ्रेश नहीं हुए हैं तो माता रानी का दर्शन नहीं हो पाएगा, हालांकि ऐसे ही प्रणाम कर लेंगे। लाइक वीडियो बना रहा है, हाँ पैसा आता है, लाइक क्या मिले। दोस्तों लंच कर रहे हैं और यहीं पे ही अपना संबलपुर से पहले रुके हैं पेट्रोल पंप पे, और खाना वगैरह यहीं पे बना है। तो रास्ता में जब भी सफ़र करते हैं मुझे ठीक नहीं लगता है होटल पे खाना, तो आज बहुत दिन के बाद कहीं रुक के खाना बनाए। और क्या आपको पता है अंडा करी बनाए, तो दिखाता हूँ आज कि कैसे क्या खाना बनाए। ये दोस्तों चावल है और अंडा का सब्जी, ये नींबू ले लिया हूँ और ये सब्जी वगैरह खा के आज मस्त है, सोते हैं आराम से। अपना दूसरा गाड़ी उस तरफ लगा हुआ है, मेरा कपड़ा वगैरह वहाँ सूख रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए पेड़ वगैरह है तो छांव है। चलिए दोस्तों लंच करते हैं, फिर आप लोग से मिलता हूँ। दोस्तों अभी रेस्ट कर रहे थे दिन में और दिन में हम लोग निकले नहीं है, लेकिन अभी हम लोग निकल रहे हैं। शाम का टाइम हो गया है, मौसम ठंडा हो गया है और खाना खाने के बाद रेस्ट लेकर अभी शाम को निकल रहे हैं। और पूरा टारगेट है कि अपना हम लोग रात तक रायपुर क्रॉस कर जाए। तो चलिए अभी कितना सफ़र काटते हैं वो देख रहे हैं। फिलहाल कहीं आगे जाके करीब 20-30 किलोमीटर जाके चाय पीने के लिए ज़रूर रुकेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे कंटिन्यू, तो फिर नॉन स्टॉप चलेंगे। ये सामने अपना दूसरा गाड़ी आगे आगे चल रहा है। मौसम कितना अच्छा हो गया है, देखिए पूरा ठंडा ठंडा हो गया है। इस टाइम में चलना भी ठीक है, हाँ।